सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल एवं क्षेत्र विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे के प्रयास से बागली विधानसभा की ग्राम पंचायत मोखा पिपलिया से निकली काली सिंध नदी पर लगभग 276 लाख की लागत से भव्य बैराज स्टॉप डैम का निर्माण होना है, जिसके लिए रविवार के दिन भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे, हाट पिपलिया विधायक मनोज चौधरी, पूर्व विधायक दीपक जोशी, दूल्हे सिंह दरबार, सरपंच जितेंद्र सिंह दरबार सहित अन्य पदाधिकारी की उपस्थिति में बैराज स्टॉप डैम निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। डैम निर्माण के दौरान क्षेत्र के किसानों को काफी फायदा मिलेगा। स्टॉप डैम बनने के बाद नदी में पानी होने से क्षेत्र का जल स्तर भी बढ़ेगा, जिसमें किसानों को काफी राहत मिलेगी, साथ ही पेयजल समस्या से भी राहत मिलेगी। इस दौरान ग्राम पंचायत सरपंच जितेंद्र सिंह दरबार एवं सांसद प्रतिनिधि दूल्हे सिंह दरबार द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। आज बागली विधानसभा के ग्राम मौका पिपलिया, जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता दूल्हे सिंह दरबार जी का गांव है, और सालों से यहां तक कि स्वर्गीय जोशी जी, जिन लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया है, उन लोगों के समय से मांग चल रही थी और आज वो सौगात पूरी हुई है। आज करीब 3 करोड़ के लगभग की राशि से मौका पिपलिया के इस गांव में 5 गांव सिंचित होना है। लगभग 300 हेक्टर जमीन सिंचाई होगी, ऐसा डैम की स्वीकृति मिली है, जिसका हम एक भूमि पूजन का कार्य आज किया है, और समस्त क्षेत्र के लोगों को भी ये खुशी हुई है कि इसी तरीके से और भी 7-8 डैम हमारे काम चल रहे हैं, कहीं चलने का है। इसके अतिरिक्त और भी शिवराज जी ने लगातार हमारे क्षेत्र में सिंचाई की तरफ योजना बनाई है, और मैं भी लगा हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मालवा और बागले विधानसभा का एक एक गांव सिंचित हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।